राम राम दोस्तों, आज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे कि जो हमारी मात्रक की पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर देखने से पहले यदि आपने मात्रक एवं भौतिक राशियों वाला पिछला लेक्चर नहीं देखा है, मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर, तो उसे जाके आवश्यक रूप से देख लें, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूशन पार्ट है या पार्ट सेकेंड है। इसके साथ ही पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर के नोट्स के पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप उन्हें एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप उसका पीडीएफ देखेंगे तो उसमें शुरू में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है, ठीक है, प्रकृति के मूल बल कौन कौन से हैं, तो वो भी एक बार ओवरव्यू के लिए देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपके मात्रक स्टार्ट हो जाएंगे, भौतिक राशियाँ, उनका वर्गीकरण, फिर उसके बाद आज जो हम पद्धतियाँ पढ़ने जा रहे हैं वो आपको कंटिन्यूशन में मिल जाएगी, लेकिन एक बार नज़र में निकाल लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मात्रकों की पद्धतियाँ। अब पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमें मात्रक की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कैसे कैसे बनाए, मात्रक के चयन में क्या सावधानियां होनी चाहिए, ठीक है। अभी मात्रकों की पद्धतियां, सबसे पहले तो ये आ कहाँ से गई, ठीक है। इससे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखो हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल। अगर हम आज के 100-150 साल पहले चले जाएं तो आज तो हमारा ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये मेरा दक्षिणी ध्रुव हो गया, यहाँ पे बीच में कहीं एशिया आएगा, ठीक है, इधर कहीं भारत है, इधर जापान, इधर ये उत्तरी अमेरिका, और ये मेरा दक्षिणी अमेरिका, इधर अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आज तो मेरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मीडियम अवेलेबल है, ट्रेन है, सड़क मार्ग है, जल मार्ग है। लेकिन अगर आज से 100-150 साल पहले जाएं तो पहले इतने ज़्यादा यातायात के संसाधन विकसित नहीं थे। तो तब क्या थी, लोकेलिटी लोकल टाइप की थी, मतलब यहाँ का व्यापार, यहाँ के व्यापारी कुछ फसल उगाएंगे या कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको यहीं के आसपास की जगहों में, जहाँ तक वो अपनी पहुँच रखते हैं, उस समय के यातायात के साधनों के अनुरूप घोड़े गधों पर ढाल के ले जाएंगे और वो यहीं पे बेच देते थे। वैसे ही अमेरिका के लोग अमेरिका में अपने उत्पाद बेच देते थे। तो समय के साथ हर जगह पर अपना एक यूनिट सिस्टम शुरू हो गया। यूनिट सिस्टम मतलब अपनी ही एक मात्रक की पद्धति शुरू हो गई। जैसे CGS पद्धति आई है ना, इसको मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति, ये पहली पद्धति पकड़ लो, ठीक है। तो किसी एक क्षेत्र में क्या करने लगे, लंबाई लंबाई को वो मापने लगे, किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। साथ ही साथ लंबाई के साथ साथ द्रव्यमान को वो मापने लगे ग्राम में, और फिर उसके बाद समय समय को ये मापने लगे सेकंड में, ठीक है। फिर कुछ समय बाद या फिर उसके समानांतर ही व्यापार तो सब जगह चल रहा था, तो दुनिया के किसी दूसरे कोने में, खासकर यूरोप में, एक पद्धति विकसित हुई, FPS, ठीक है। इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति। अब इसमें क्या करने लगे, इसमें ये लोग लंबाई को नापने लगे फुट में, ठीक है। उसके अलावा द्रव्यमान को मापने लगे पौंड में, और समय को वही सेकंड में, ठीक है। अब क्या हुआ, समय के साथ साथ हो सकता है दुनिया के और भी कई कोनों में अलग पद्धतियां शुरू हो गई होगी। पद्धतियों से मतलब कुछ नहीं है, हमारे यहां जैसे आपको ध्यान हो तो पहले बोलते थे सवा मणि करेंगे, तो या एक मण गेहूं देना, मण क्या 40 किलो, तो मण हमने एक लोकल मात्रक डिसाइड कर लिया था, मण मण मतलब 40 किलो, ठीक है। उसी प्रकार से मील, पुराने लोग बोलते थे मील, मील के साथ आपने सुना होगा लंबाई को, इस गांव से उस गांव की दूरी कितनी है, 5 कोस, तो कोस भी हमारे यहाँ का एक लोकल मात्रक बन गया था, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे तो जमीन कायमें नापी जाती है बीघा में, लेकिन बीघा राजस्थान में अलग क्षेत्रफल है, पंजाब में अलग है, हरियाणा में थोड़ा अलग है। तो समय के साथ साथ हर जगह पर क्या हो गए, लोकल सिस्टम डेवलप हो गए। लेकिन समय के साथ साथ हमारे पास विज्ञान का विकास हुआ, और विज्ञान का विकास होने से ट्रेड बढ़ने लगे। अब क्या हुआ, अंतर राज्य व्यापार होने लगे, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होने लगे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में व्यापार होने लगे। अब आप ही सोचो, एक व्यक्ति किसी जगह पर रस्सी खरीदता है, वो रस्सी खरीदता है फुट में, अब वो दूसरी जगह पर जाके बेचेगा, उसको बेचनी है सेंटीमीटर में, तो उसको दिक्कत तो आएगी ना।
और प्लस सिर्फ इसको नहीं बेचना, इसको भी तो इस मार्केट में जाके अपना सामान बेचना है, यहाँ पौंड में खरीद के ला रहा है, कहीं किलोग्राम में बेचना है, कहीं ग्राम में बेचना है, ठीक है, तो उसको दिक्कत तो आएगी। तो ये व्यापार शुरू में चलता रहा, इसी दौरान धीरे 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 लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनने लगी और एक नई पद्धति उभर के आई जिसको बोलते हैं हम MKS सिस्टम या MKS पद्धति, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये पद्धति है। अधिकतर राष्ट्र समय के साथ इसका फॉलो करने लग गए, इसका अनुसरण करने लगे। इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, ठीक है, लंबाई को मीटर में एवं समय को सेकेंड में जाने लगा, ठीक है। अब रिलेशन आप जानते ही हैं भाई, लंबाई का ही मात्रक फुट है, लंबाई का ही मात्रक मीटर है, तो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होना ही चाहिए। 3 point something something कुछ फुट बराबर 1 meter होता है, और वैसे ये पौंड कितना होता है, 1 pound बराबर 453 point something ग्राम होता है, ठीक है। तो पहले लोग कन्वर्जन करके माल व्यापार करते थे, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसको फॉलो करने लगे। तो 1960-61 के समय पे तकरीबन राष्ट्र विकसित हो चुके थे, अलग अलग राष्ट्र बनने लग गए थे, ठीक है, आज़ाद होने लग गए थे लास्ट। तो उस समय अलग अलग महाद्वीपों के देशों के सारे जो मापतोल विभाग थे वो एक साथ आए और एक साथ बैठ के उन्होंने तय किया कि यार संपूर्ण विश्व में जो व्यापार होता है इसके लिए सारे मात्रकों को छोड़ के हमको एक निश्चित मात्रक निर्धारित करने चाहिए एवं उन्हीं का पूरे विश्व में अनुसरण करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमको व्यापार में आसानी होगी, ठीक है भाई। मैं केले का भाव अगर यहाँ पे दर्जन के हिसाब से देता हूँ तो पूरे विश्व में दर्जन के हिसाब से चले, अगर किलो के हिसाब से है तो पूरे विश्व में किलो के हिसाब से चलने चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर मैं लंबाई को, यहाँ पे कोई भी चीज़ है अगर वो लंबाई उसकी रेट पर मीटर है तो पूरे विश्व में लंबाई की जो भी चीज़ें हैं उनकी रेटें हम पर मीटर में दें, वायर की, धागे की, कपड़े की, ठीक है। तो ये अब उन्होंने डिसाइड किया, तो ये जो सिस्टम इन्होंने बताया उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल या SI पद्धति। अब इसमें इन्होंने क्या डिसाइड किया, इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में दर्शाएंगे, लंबाई को मीटर में दर्शाएंगे, समय को सेकंड में दर्शाएंगे और धीरे 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 बाकी और चीज़ों के भी मात्रक निश्चित कर दिए, जैसे कि हम बल को न्यूटन में दिखाएंगे। ये FPS सिस्टम में बल को किस में बताते थे, ये लोग पौंड में, सॉरी डाइन में, ठीक है, ये लोग इस यहां पर बल को डाइन में दर्शाते थे तो ये पौंड में दर्शाने लग गए। तो इन्होंने सब भौतिक राशियों के मात्रक निश्चित कर दिए, वाट मात्रक निश्चित कर दिया इन्होंने, ठीक है, एम्पियर निश्चित कर दिया, वोल्ट निश्चित कर दिया। अब एक तरीके से देखा जाए तो MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है SI पद्धति, ठीक है। तो SI पद्धति का रोल वहां से आया, फिर धीरे 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 क्या 1960 के बाद से तकरीबन सभी देशों ने SI पद्धति को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब हम फिर से बात करेंगे, हमने पहले भौतिक राशियों का वर्गीकरण देख लिया था, क्या वर्गीकरण देखा था, भौतिक राशियां मूलतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक तो मूल भौतिक राशियां और एक व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और उनके मात्रक क्या कहलाए थे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब वैसे ही जब SI पद्धति आई तो इन्होंने नए सिरे से भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया, और इन्होंने क्या किया वर्गीकरण में, इन्होंने कहा कि भौतिक राशियों को इन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया, एक तो था मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, दूसरी थी व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जो हम पहले पढ़ चुके हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और तीसरा वर्गीकरण इन्होंने लिया पूरक भौतिक राशियां, या पूरक राशियां भी कह सकते हैं, भौतिक राशियां, लिखने की आवश्यकता नहीं है इसका, मैं नोट्स का PDF आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा। अब देखो मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां कौन सी, वे राशियां जो स्वतंत्र है, जिन्हें किसी और के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में बेसिक चीजें हैं, इनसे ही बाकी चीजें डिराइव होंगी। जैसे कि इन्होंने मूल भौतिक राशियों में 7 चीजों को लिया, 7 भौतिक राशियों को लिया, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या, वही द्रव्यमान, ठीक है, फिर लंबाई, फिर समय, फिर ताप, फिर विद्युत धारा, फिर प्रदीपन तीव्रता, और लास्ट
पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब ये क्या क्या है एक बार देखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इनके सभी के मात्रक तय किए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, द्रव्यमान का स्टैंडर्ड मात्रक रखा किलोग्राम, ठीक है, लंबाई का स्टैंडर्ड मात्रक रखा मीटर, समय का इंटरनेशनल पद्धति में क्या मात्रक रखा गया सेकंड, ठीक है, ताप का केल्विन, ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रदीपन तीव्रता का कैंडेला सीडी, ये प्रकाश से संबंधित होती है, प्रकाश की तीव्रता से, जब समय आएगा तो हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा मोल मोल, ठीक है। तो उन्होंने ये सात भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियां मानी, ठीक है। अब इन भौतिक राशियों से जो भौतिक राशियां डिराइव होगी, जैसे कि चाल, चाल क्या है, दूरी बटा समय, तो दूरी क्या है मीटर, समय क्या है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लंबाई और समय से ही तो डिराइव हुई है चाल, तो ये व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसे क्या आ गया बल, बल क्या है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान क्या है केजी इंटू त्वरण, त्वरण क्या है वेग में परिवर्तन की दर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया बल। अब बार बार किलोग्राम प्रति मीटर, मतलब किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं बोलूंगा, इसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड टर्म डिसाइड कर दी, इसको हम न्यूटन कहेंगे, ठीक है। वैसे ही इन्होंने क्या होता है मेरा ऊर्जा, क्या होता है ऊर्जा या कार्य, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, अब बल क्या है, बल का स्टैंडर्ड उन्होंने बोल दिया न्यूटन, और विस्थापन मतलब दूरी तो है, तो इसको लिख दो मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर को उन्होंने क्या क्या दिया वाट, तो बल का भी स्टैंडर्ड मात्रक बना दिया वाट। ऐसे सभी चीजों के उन्होंने एसआई पद्धति में मात्रक बना दिए। अब जो राशियां इन सात राशियों से डिराइव हुई उनको क्या कहा उन्होंने, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और उनके मात्रकों को क्या कहा व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन ऐसी भौतिक राशियां जो न तो इनमें आ पाई न इनमें आ पाई, मतलब जिन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियों में स्थान नहीं मिल पाया उन्हें कहा गया पूरक भौतिक राशियां। और पूरक भौतिक राशियां दो तरह की, इसमें दो चीजें इसमें समाहित हो पाई, वो क्या क्या है, जो पूरक राशियों में चीज आई वो कौन सी भौतिक राशि है, एक तो आई तलीय कोण, तलीय कोण, तलीय कोण जैसा नाम बता रहा है तलीय कोण, तलीय कोण क्या, एक प्लेन, ये वाला प्लेन, प्लेन में बनने वाला कोण, मतलब किसी भी दो रेखाओं के बीच में जो आपस में क्रॉस करती है जो एंगल बनेगा थीटा, ये तलीय कोण किसमें आया पूरक भौतिक राशियों में। अब हम इसको नापते हैं किसमें, डिग्री में, 30 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, तो तलीय कोण में जो इसका स्टैंडर्ड मात्रक रखा गया वो रखा गया रेडियन, क्या रखा गया रेडियन। अब रेडियन लेकिन हम नापते थे डिग्री में, तो संबंध भी रखा गया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ताकि कन्वर्जन में दिक्कत ना आए, पर लोगों को आज भी आदत में डिग्री ही आता है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त दूसरी राशि कौन सी आई, दूसरी राशि आई, ये तलीय कोण था, दूसरी राशि घन कोण, घन कोण क्या है, घन कोण जो 3D में कोण बनता है उसको घन कोण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी एक पृष्ठ है, पृष्ठ है मतलब इसका क्षेत्रफल है, अगर मैं किसी बिंदु पर, यहां पर ले लेते हैं, अगर मैं किसी बिंदु पर यहां से हर बिंदु से रस्सी बांध दूं, किनारों किनारों से, इसके किनारे किनारे से हर जगह से मैंने रस्सी बांध दी, तो ये जो आकृति बनेगी ये 3D में बनेगी, सब और रस्सियां जाएगी, तो ये तो 3D में ये एंगल मिलकर है, इसको बोलते हैं घन कोण, ठीक है। और इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, ठीक है। कोण, कोण कैसे निकालते हैं, कोण को निकालते हैं चाप बटे त्रिज्या से, त्रिज्या से, ठीक है। और स्टे रेडियन को कैसे निकालते हैं, घन कोण को, घन कोण निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का वर्ग, ठीक है। जैसे कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर पूरा का पूरा स्फीयर, पूरा गोला, फुटबॉल है ये, तो ये पूरा गोला अपने केंद्र पर कितना कोण बनाता है, ठीक है, तो पूरा गोला ये ऐसे हैं, ठीक है ना, तो अगर सब जगह से रस्सी मान लें तो संपूर्ण कोण कितना बनेगा केंद्र पर, देखो
तो कोण कितना बनेगा, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या कितनी इसकी, उसका वर्ग आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो एक संपूर्ण गोले द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा, 4πr, नहीं स्टेरेडियन, ठीक है। वैसे ही एक वृत्त के द्वारा उसके कोण पर कितना कोण बनाया जाएगा, तो वृत्त यहां पे क्या आता है, चाप, चाप मतलब परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितनी r r। तो देखो मैं यहां से शुरू करूं अगर, तो कोण बनाना है, यहां से शुरू किया, ये किया, ये किया, ये पूरा कोण कितना आएगा 2π ही तो आएगा, 360 डिग्री तो आएगा, एक बिंदु के चारों ओर कितना कोण बन सकता है 360 डिग्री। तो ये बात यहां से स्पष्ट हो गई, ठीक है। अब ऐसा ही पद्धति में ये वर्गीकरण हो गया, मात्रक डिसाइड हो गए, उसके साथ इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज और करी ऐसा ही पद्धति में, वो क्या कि इन्होंने 10 की घातों को भी मात्रकों के साथ मिलाने के लिए सिंबल प्रदान किए, उन्हें भी परिभाषित किया और उनको नाम और सिंबल प्रदान किए। अब देखो क्या क्या प्रदान किए 10 की घातों को, इन्होंने कहा कि जो 10 की घात, यहां से एक बार शुरू करते हैं, ठीक है, जो 10 की घात -2 है उसको हम कहेंगे सेंटी और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सी से, ठीक है। 10 की घात -3 उसको हम बोलेंगे मिली और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, और 10 की घात -6 माइक्रो, ठीक है, 10 की घात -9 नैनो, ठीक है, 10 की घात -12 पिको एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव साइड में भी 10 की घातों को परिभाषित किया इन्होंने, 10 की घात 3 किलो, ये स्मॉल के ही है, ठीक है, 10 की घात 6 मेगा, 10 की घात 9 गीगा टेरा, आगे चलता रहेगा। अब हमने इन घातों को ये सिंबल तो दे दिए, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो उदाहरण लेते हैं, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब क्या, ये 1 × किलो क्या है, किलो है 10 की घात 3, तो ये 1 × 10 की घात 3 ग्राम है, मतलब ये 1000 ग्राम है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, यहाँ पे लेता हूँ मैं 5 किलोमीटर, मतलब ये क्या है, मेरी लंबाई की स्टैंडर्ड मात्रक क्या लिया था मैंने ऐसा ही पद्धति में, मीटर, मतलब ये मीटर का कितना गुना है, 5 गुना, नहीं 5k गुना, और k क्या है, k मतलब 10 की घात 3, मतलब 1000, मतलब देखो ये 5 × 10 की घात 3 मीटर है, मतलब ये 5000 मीटर है, ठीक है। ऐसा ही और उदाहरण देखो, कोई कहेगा 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × सेंटी क्या है, 10 की घात -2 मीटर, कोई बात नहीं, ठीक है। एक उदाहरण देखो, एक मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर मतलब 1 × 10 की घात -3 मीटर, मिली मतलब क्या, 10 की घात -3, तो घातें हमेशा मात्रक से पहले लगेगी, ठीक है। ये एमसी नहीं हो सकता, ये सेंटीमीटर सीएमई होगा, ये जीके नहीं हो सकता, ये केजी ही होगा, ठीक है। जो घातों के सिंबल है वो हमेशा मात्रक से पहले लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 10 की घात, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 मीटर, मतलब 1/1000 मीटर, मतलब क्या, 1 mm क्या है, 1 mm 1 मीटर का 1000वां भाग है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। अब देखो मेगा पास्कल भी सुना होगा आपने यूनिट, ठीक है, 5 मेगा पास्कल, ये क्या है 5 मेगा पास्कल, 5 मेगा पास्कल बराबर 5 × 10 की घात 6 पास्कल, और पास्कल क्या है मेरा, न्यूटन पर mm², मेगा पास्कल होता है न्यूटन पर mm², न्यूटन पर m² पास्कल होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे गीगा पास्कल और भी कई जगह पे आपको ये घातें यथावत देखने को मिल जाएगी। तो एक अच्छा काम इन्होंने और क्या किया, ऐसा ही पद्धति में 10 की घातों को भी सिंबल प्रदान किए, ठीक है, जिन्हें हम मात्रकों में ऐसी यथावत यूज कर सकते। इसको हमको फायदा क्या हुआ, हमको हर जगह 5000 5000 5000 मीटर नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सीधा 5000 के लिए के लिख दूंगा, तो 5 किलोमीटर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में
इतना ही काफ़ी है। तो आज के लेक्चर में हमने मुख्य तौर पर क्या पढ़ा कि मात्रकों की कौन कौन सी पद्धतियाँ थी। तो तीन पद्धतियाँ शुरू में थी, कौन कौन सी, CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। फिर इसके बाद उभर के कौन सी पद्धति आई, SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। और आज भौतिकी में या फिर अधिकतर जगहों पर जो भी यूनिट्स काम में ली जाती है वो SI पद्धति की ही काम में ली जाती है, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए संपूर्ण विश्व में जो जो चीज़ों के लिए मात्रक तय किए गए हैं उनके लिए। ठीक है, तो पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर के नोट्स का PDF का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें 19-20 हो तो उनको एडजस्ट कर लेना, पढ़ लेना। तो आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।